नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरनेस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 जो 14 और 15 जुलाई को एग्ज़ाम है उसके बारे में, जो कुछ जानकारियां मैंने जुटाई हैं आप सबके लिए, एनालिसिस किया है कुछ ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सभी जो विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं आपके अपने चैनल की ओर से, मेरी ओर से, कि आप सभी सफल हों, आपका पेपर अच्छा जाए, आपके सपने पूरे हों। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें परीक्षा देने जाने से पहले, यानी कि जब आप घर से चलेंगे परीक्षा देने के लिए जाएंगे, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपने बड़ों और इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, तो सबसे पहले अपने माता पिता या जो भी आपके बड़े लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, और अपना जो भी आप देवी देवता को मानते हैं तो उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लेके जाएं। तो दूसरी बात, उचित पैसा और अपने समय के अनुसार जाएं। तो दोस्तों, जहां आपका सेंटर आया है, जैसे बीकानेर आया है, तो उस हिसाब से अपना किराया और अपने समय को उस हिसाब से मैनेजमेंट करिए ताकि आपको वहां विलंब ना हो, आपके पास पैसे की कमी ना रहे, तो उचित पैसा लेके जाएं। यात्रा के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी है तो परीक्षाएं बहुत आएंगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि यात्रा के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी ना की जाए। इसके अलावा बस और रेल यानी कि ट्रेन की छत पर भी यात्रा ना करें। दोस्तों, पहले काफ़ी एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनमें बस और रेल में जो छत पे बैठ के यात्रा करते थे, उन विद्यार्थियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, जान तक की उनको कीमत चुकानी पड़ी है। इसलिए बस और रेल की छत पर बिल्कुल भी यात्रा ना करें। इसके अलावा दोस्तों, यात्रा के दौरान संयमित भाषा का इस्तेमाल आपको करना है, आपको एक पॉजिटिविटी दिखानी है, अपना शिष्टाचार का परिचय देना है। अगर आप यात्रा जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के दौरान, तो एक संयमित भाषा जिसको बोलते हैं मर्यादित भाषा का उपयोग करना है। इसके अलावा अगर हमारी जो बहनें एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हैं तो अपने परिवारजनों को बिल्कुल साथ लेके जाएं, भले ही उनका सेंटर पास आया हो, 20-30 किलोमीटर 10 किलोमीटर आया हो, तो अपने किसी भी परिवारजन को ज़रूर साथ लेके जाएं। इसके अलावा दोस्तों, बस रेल व अन्य वाहन चालकों से लड़ाई झगड़ा ना करें। दोस्तों, आप किसी भी बात को लेकर बस रेल और अन्य जो व्हीकल्स हैं उनके जो चालक हैं या जो उनको कोई भी परेशानी ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। इसके अलावा दोस्तों, टिकट लेकर ही यात्रा करें। जी हाँ दोस्तों, बगैर टिकट यात्रा ना करें। किसी भी बस ड्राइवर से, कंडक्टर से, रेल के जो कर्मचारी हैं उनसे, या जो भी व्हीकल में आप बैठ के जाएंगे तो उनसे टिकट दें, उनका किराया पूरा दें, उसके बाद यात्रा करें। खाने पीने की चीज़ें यथासंभव साथ लेके जाएं। जी हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम है, पानी की बोतल और जो भी आप ग्लूकोज वगैरह अगर लेना चाहते हैं और खाने की जो चीज़ें हैं यानी कि खाना है, वो आप लेकर जाएं साथ। इसके अलावा दोस्तों, जब बड़े एग्जाम होते हैं तो जेब कतरे भी काफ़ी घूमते फिरते हैं, तो उनसे भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि आप इतना ही पैसा लेके जाएंगे, जेब कटने के बाद आप कहीं के भी नहीं रहते हैं, तो उनसे भी सावधान रहें। इसके अलावा दोस्तों, परीक्षा हॉल में जाने के बाद, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने सेंटर पर पहुँचेंगे उसके बाद परीक्षा हॉल में जाएंगे, तो सबसे पहले मन ही मन में माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है उसका नाम लें। बिल्कुल शांत चित होकर रूम में बैठें, बिल्कुल हड़बड़ाहट आपके दिल में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम प्योर माइंड शांत चित तरीके से आपको रूम में बैठना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके से आपको इस परीक्षा की चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में घबराहट हो, जी हाँ दोस्तों, बड़ा एग्ज़ाम है, सपने बड़े हैं, तो अगर आपके मन में घबराहट हो तो 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 1 तक गिनती बोल लेनी है। मन में अगर आपको घबराहट हो रही है, जी आपका मिचला रहा है, तो एग्ज़ाम का डर लग रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ करिएगा आप दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर आप ये जो गिनती बोलने का करेंगे, निश्चित तौर पे कमेंट करके बता सकते हैं आप इस एग्ज़ाम के बाद मुझे कि सर आपने सही कहा था, कि ऐसा करने से हमें वाकई में रिलैक्स मिला। गहरी लंबी सांस लें और उसे छोड़ें,
तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होगा इस चीज़ से। इसके अलावा OMR जो सीट आती है दोस्तों, इसको बड़ी ध्यान से भरना है, क्योंकि OMR गलत भरेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा सिग्नेचर आपको OMR में, जहां पर ऑब्जर्वर आपको सिग्नेचर करवाता है, या OMR में जहां पर आपके सिग्नेचर होंगे वो वही करने जो आपके फोरम में हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपके जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र है उस पर आपके सिग्नेचर हैं, तो वो ही सिग्नेचर आपको करने हैं। इसके अलावा दोस्तों OMR सीट में कुछ अन्य जानकारियां आपको नहीं लिखनी है, OMR सीट पे अदर पेन नहीं लगाना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दोस्तों सबसे पहले बात, पहले जो तीन भाग आएंगे इसमें, तो उसमें जो आपको सवाल पहले आते हैं, चाहे रीजनिंग के आएँ, चाहे आपको GK के आएँ, चाहे आपको यानी कि जो करंट अफेयर्स है राजस्थान भारत की, तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। जो पहले हैं उनको आप हल कर लें, और विशेषकर रीजनिंग मैथ वाले भाग में गलती करने से बचो, क्योंकि दोस्तों ये एक नंबर का एक सवाल है, और अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो आपका एक नंबर जाता है, जबकि भाग दो और जो तीन नंबर का भाग है उसमें ऐसा नहीं है, वो आधे आधे नंबर के सवाल हैं, तो उनमें चांस है आपके पास बचने का, लेकिन यहाँ अगर एक सवाल गलत करते हैं तो एक नंबर सीधा जाता है। तो रीजनिंग वाले भाग को आप गलती करने से वहाँ बचनी है। अगर रीजनिंग के सवाल पासिंग से एक या दो ज़्यादा सही हुए हैं और नहीं आ रहे हैं, तो आगे गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों पासिंग का जो क्रिटेरिया तीनों पार्टों में रखा है पुलिस विभाग राजस्थान ने, कि हर भाग में आपको 40% या 36% मार्क्स लाने हैं। अगर आपके 40% ही आ रहे हैं तो आगे आप, अगर आपको रीजनिंग नहीं आ रही है तो ना करें, उसे छोड़ दें, अगले भाग की तरफ बढ़ जाएं। तो गलती नहीं करनी है रीजनिंग वाले भाग में। इसके अलावा भाग दो और तीन, उसमें आप नेगेटिव मार्किंग 118 है, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। कोई सवाल नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं कि इसमें ए भर देते हैं, बी भर देते हैं, सी भर देते हैं, वहाँ ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग मैथ में बिल्कुल भी ना लें। पेपर में एक दो नंबर की कमी रह जाए तो निराश नहीं होना है, क्योंकि फिजिकल में बाजी पलट देंगे आप। अगर पेपर में मान लीजिए आपके 50 नंबर आ रहे हैं, सपोज करिए आप पास हो रहे हैं किसी हिसाब से, तो निराश ना हो, आप ये ना सोचें कि 50 नंबर कम है, कोशिश करिए कि आप फिजिकल में 15 नंबर लें दौड़ के, तो वहाँ पर ये कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा अगर ठीक नहीं हुई है तो भी नो टेंशन, क्योंकि जीवन में ये सब चलता रहेगा, अगला नंबर आपका ही होगा। तो अगर परीक्षा भी आपकी सही नहीं हुई है तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आगे और भी एग्जाम्स आएंगे, उनकी तैयारी को कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि आगे आपका नंबर आएगा। और दोस्तों सबसे अंत में कुछ मोटिवेशनल बातें आप सबके लिए, कि सफलता और विफलता एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो अगली एग्जाम में बिल्कुल सफल होंगे, तो ये सफलता और विफलता चलती रहती है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं ये। इसके अलावा एक शेर दोस्तों आप सबके लिए शेयर करना चाहूँगा, कि गम की अंधेरी रात में तू दिल ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी तू सुबह का इंतज़ार कर। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका कुछ सही नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सुबह रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, तो ऐसे ही इस एग्ज़ाम के बाद आपके जीवन में उजाला ज़रूर आएगा, अगर ये एग्ज़ाम गलत हुआ है तो भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपके प्यारे से दोस्त ने कोशिश की कि कुछ मेरी तरफ़ से आपको मैसेज देने की, और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जो राजस्थान पुलिस की परीक्षार्थी या अभ्यर्थी हैं उनको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर शुभ हो, आपकी यात्रा अच्छी रहे, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।